नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्पेशल एजुकेशन वैकेंसी के बारे में, यानी कि केंद्रीय विद्यालय से प्रयागराज से जो वैकेंसी निकली हुई हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और कब तक आपको फॉर्म भरना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं हम गूगल पर और कैसे आपको फॉर्म भरना है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों आ चुके हैं हम गूगल पर और यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, सर्च करना है आपको केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट प्रयागराज। ठीक, ये आपका जो है ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट स्कूल इन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसको हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, कुछ आपका इस प्रकार से आपका सरफेस ओपन होके आएगा और अब हम चलेंगे नीचे की तरफ, जहाँ पर आपका आपको देखने को मिल रहा होगा अनाउंसमेंट्स व्यू ऑल। इस पर हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आपको सारे के सारे जो कि हैं अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो टीचर के लिए हो, चाहे वो पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो। और यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म लिंक भी दिया जाएगा, तो हम सभी जितने भी लगभग आपको ये 5 पॉइंट्स हैं इन सभी को ओपन करके दिखाएंगे और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं यहीं पर आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। चलिए दोस्तों हम देखते हैं पहला आपका फॉर्म, ये देख लीजिए एक विज्ञापन दिया गया है आपका जो कि केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट से दिया गया है और कहा जा रहा है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट में निम्नलिखित पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, कौन कौन से पद हैं, चाहे आपके स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर दिया गया है, PGT मैथ दिया गया है, PGT मैथ साइंस का दिया गया है और ये सभी चीज़ें दी गई हैं। अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेते चल करके हैं, इसका जो बढ़िया बायोडाटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको हम सेकंड, ये आपका जो प्रारूप रहेगा फॉर्म का, इसमें आपको भरना होगा ये फॉर्म आपका और इसकी आपको बनानी होगी अच्छी सी PDF, इसको भर करके इसकी आपकी PDF आपको बनानी होगी। इसका काम कहाँ पर लगेगा अभी आपको बताएंगे। पद का नाम आपका स्पेशल एजुकेशन का, प्रार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, पूरा पता, यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो, सेल्फ अटेस्ट की हुई एक फ़ोटो, पूरा पता, टेलीफोन नंबर, जो भी आपकी शैक्षिक योग्यताएं हैं यहाँ पर, आपका अगर अनुभव है तो आप यहाँ से कब तक, और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करके अपना सिग्नेचर करना होगा और इसकी PDF आपको बना लेनी होगी। और जो आपको कहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है अब हम बताते हैं उस पर। देखिए यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी फॉर सिलेक्शन टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा डाउनलोड 1 पॉइंट, जो आपकी ये PDF है अभी डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड हो गई आपकी PDF। इसमें आप साफ साफ देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर आपको ये निशान देखने को मिल रहा है वैकेंसीज इनकी आई हुई हैं, तो PGT मैथ की पहले आपकी हुई, PGT कंप्यूटर साइंस हुआ, मेन है आपका स्पेशल एजुकेशन जो कि यहाँ पर आप लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर देखा जाए प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेशन के लिए ये आपको दिया गया है स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक, होना क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस BEd स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, जो कि आपका स्पेशल एजुकेशन का 2 साल का डिप्लोमा होता है और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड RCI यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद से 2 साल का कोई जो भी अप्रूव हो, आपका कह सकते हैं कि डिग्री, वो आपकी यहाँ पर मान्य होगी। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर CTET का सेकंड पेपर यानी कि 6th to 8th का पेपर आप पास होने चाहिए BEd स्पेशल एजुकेशन के साथ में, तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। इसके बाद में फॉर्म भरना कैसे है, यहाँ पर आप जाएंगे गूगल फॉर्म लिंक पर, ये डिटेल
आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपका गूगल फॉर्म लिंक ओपन होकर के आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर अपना आपको सारा बायोडाटा भर देना है, ये सभी चीज़ें आपको भर देनी है, फिल कर देनी है। और ये सब फिल करने के बाद में आपको जो आपने अपना वो फॉर्म भरा था जिसके मैंने अभी बताया था आपको पीडीएफ बनाने के लिए, वो यहाँ पर आपको फाइल अटैच करनी होगी। कुछ आप रिमार्क लिखने के बाद में आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। और 21 तारीख को यहाँ पर आपको पता है कि सुबह 8 बजे तक 21 तारीख को आपको उपस्थित होना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर थी, इम्पॉर्टेंट थी, आप लोगों को बता दी गई है। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी पर, आगे भी मिलते रहेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ में। धन्यवाद।